हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट। मैं हूं आपकी एजुकेटर स्मिता सिंह फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ कोड 55, राइट। एंड मैं आपको यूनिट 1 पढ़ा रही हूं, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट। जिस अभी तक इससे पहले के वीडियोस में मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक वो सारे टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आगे आने वाले जो भी वीडियोस मिलेंगे ताकि उसके अपडेट आपको मिलते रहें, और प्रीवियस वीडियो भी आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप एक बार देख सकते हैं उनको जा करके रिस्पेक्टिवली वन बाय वन क्या क्या टॉपिक्स मैंने कवर कराए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं कोड 55 के लिए तो आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको यूनिट 1 to यूनिट 10 प्रॉपर सारा पूरा सिलेबस विथ ईच एंड एवरी टॉपिक्स आई विल कवर देम, और ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए और सिस्टमेटिक वे में हो पाए, राइट। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम लगती है कि आपको लगता है कि मेरे वीडियोस में कोई कमी है या फिर मेरे एजुकेशन स्टाइल में कोई कमी है, देन यू कैन लेट मी नो। आई विल डेफिनेटली फॉर श्योर इम्प्रूव माय टीचिंग स्किल्स एंड यू नो, अगर थ्योरी में कोई प्रॉब्लम है या फिर मुझ में कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डू लेट मी नो। सो मैं आज यहाँ से स्टार्ट करने जा रही हूँ, क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्कूल से, राइट। सो हमारा टॉपिक होगा क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्कूल। हियर वेयर एज साइंटिफिक मैनेजमेंट इज फोकस्ड ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल्स, द क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच concentrates on the total organization. The emphasis is on the development of managerial principles rather than work methods, right? So classical administration का school क्या होगा? Sorry for inconvenience for my words. Sometimes when we get long words then we get you can understand, right? So यहाँ पर जो approach है ऑथर का, जो साइंटिफिक वे का जो अप्रोच है कि क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच में क्या वो कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो फोकस करता है प्रोडक्टिविटी पे ऑफ इंडिविजुअल, राइट। इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी पे फोकस करता है, और जो क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है वो टोटल ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्टिविटी पे फोकस करता है, राइट। सो जो एम्फेसिस है is on development of managerial principles rather than work method. तो वो development पे company के development पे focus करते rather than work method, कि क्या work method है उस पर ना focus करके वो development पे focus करते हैं। वो इन पर उनको ये मतलब नहीं है कि क्या method use हुआ है, at the end वो देखना चाहते हैं result क्या है, what is the output, right? So contributors to this school of thought include Max Weber, Henry Fayol, Mary Parker Follett, and Chester I Barnard. These theorists studies the flow of information within an organization and emphasized the importance of understanding how an organization operated. So जो भी ये थॉट जो है उन्होंने दिया है, इसमें जो थॉट देने वाले हैं वो मैक्स वेबर हैं, हेनरी फयोल है, मैरी पार्कर फॉलेट हैं एंड चेस्टर आई बर्नार्ड हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस, प्लीज डू रिमेंबर, बिकॉज जो ये जितने भी ये कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर एक एक क्वेश्चन बनते हैं, लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं मैक्स वेबर पे, हेनरी फयोल पे, कि इन्होंने क्या बोला, इनके थॉट क्या है, इनके प्रिंसिपल्स क्या है, इन्होंने क्या दिया हुआ है। सो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस पे ही देखने को मिलेंगे, इन पे ही देखने को मिलेंगे, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। Weber has provided a number of features in bureaucratic organization. These are given below. First one is hierarchy, rules and regulations and procedures, division of work, impersonal relationships, competence and records. मैं आपको एक एक करके समझा देती हूँ हिरार्की में वो क्या कहना चाहते हैं। हिरार्की इज अ वेरी वे ऑफ रैंकिंग पोजिशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑल पोजिशंस विद इन ब्यूरोक्रेसी आर स्ट्रक्चर इन अ वे दैट परमिट्स द higher position to supervise and control the lower position. This clear chain of command facilitates control and order throughout the organization. So वेबर क्या कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर हिरार्की होनी चाहिए, राइट। प्रॉपर हिरार्की रहेगी तभी सारी चीज़ों की लाइक काम की एंड पोजीशंस की अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि किसको क्या काम करना है, किस वे में काम करना है. दैट शुड बी क्लियर एंड अंडरस्टूड राइट टू एवरीवन. और ये जो अप्रोच है वो टॉप से बॉटम की तरफ चलती है, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ होनी चाहिए. हिरार्की जो बनती है, पहले आपका सबसे ऊपर आ गया सीईओ, फिर सीओओ, फिर उसके बाद आपके आ गया फिनांस के आ गए जितने भी सारे हैं, मार्केटिंग के आ गए मतलब मैनेजर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मैनेजर मार्केटिंग के, देन मैनेजर, देन सबऑर्डिनेट्स, देन ग्रुप मेंबर. तो इस तरह से सारे हिरार्की वाइज आपको टॉप टू बॉटम हिरार्की बना दी जाती है, जहाँ पे हर एक पर्सन, हर एक इंडिविजुअल टीम, हर एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट, दे परफॉर्म देयर वर्क एंड दे गिव द आउटपुट टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे रिपोर्ट टू सीईओ. राइट, दिस इज द वे हाउ हिरार्की वर्क्स. रूल, रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स. राइट, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर गवर्न ऑल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज टू प्रोवाइड सर्टेनिटी एंड फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन. ताकि आप जो रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, उसके बेसिस पे आप रूल एंड रेगुलेशंस को मेंटेन कर सकते हैं एंड कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. उस स्पेसिफिक दायरे में रहकर आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि किसका क्या काम है, किसने कितना काम किया है, जो भी टारगेट दिया गया वो अचीव हुआ या नहीं हुआ है, वो एक सिस्टमेटिक वे में वो प्रोवाइड करते हैं. राइट, third point is division of work. That should be, you know, the work should be divided so that you could get the, you know, productivity from the each and every individual, so that you could, you know, seek their performance level, see you can seek their competence level, so that you could, you know, at the time of appraisal, at the time of the promotion, you see and you can screen each and every employee in each and every department. इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप पर्सनली काम करने लगे, लाइक आप एकदम सपोज मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट है, उनमें बहुत ज़्यादा पर्सनल रिलेशनशिप हो जाता है, तो भी काम जो आउटपुट होता है वो अच्छा नहीं होता. बिकॉज अगर आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा फॉर्मल ना होके इनफॉर्मल बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसमें क्या होता है कि आप कोई भी काम टाइम पर नहीं आया फिर भी आप उनको नहीं बोल पाते हैं कि आपने काम करके क्यों नहीं दिया, आपका ये टाइम ड्यूरेशन था, आपकी बाउंडेशन थी कि इतने टाइम में इतनी आपको इतने आउटपुट देने थे. लेकिन आप क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वर्क में अपने पर्सनल हो गए हैं, तो आप उन चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं, आप नहीं कहते हैं. तो उससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बहुत हैम्पर होती है. वो जो आपके सबऑर्डिनेट होते हैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होते, वो आपको बहुत अच्छा आउटपुट नहीं देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ठीक है अगर नहीं भी करेंगे तो हमारा जो सीनियर है, हमारा जो बॉस है डिपार्टमेंट का, वो तो यूं ही जाने देगा, हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं करेगा, हमें कुछ कहेगा नहीं. तो दे टेक दी वर्क नॉट, you know, seriously. Right, so that should not be, you know, in any organization impersonal relationships should not be there. कॉम्पिटेंस का भी स्क्रीन होना चाहिए कि कौन पर्सन कितना कॉम्पिटेंट है, कौन कितना कॉम्पिटेंट नहीं है. आप एक ग्रुप में कौन सबसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, कौन अच्छा काम नहीं कर रहा है, दैट शुड बी मेजर्ड कि कितनी कॉम्पिटेंसी है ईच एंड एवरी पर्सन की इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इन ए ग्रुप. रिकॉर्ड्स, and you should, like manager should record, should have records of the, you know, team members कि किसने कितना काम किया है, किसकी कैसी performance है. That should be, you know, recorded in the proper sequence and in sequence wise. Now here is human relations school. Functional and administrative management. Henry Fayol का जो टाइम पीरियड था वो 1841 से लेकर 1925 तक का टाइम पीरियड है. हेनरी फयोल का जब टाइम पीरियड था, स्टार्टेड हिज करियर एज अ जूनियर इंजीनियर इन ए कोल माइन कंपनी in France and become its general manager in 1880. He not only saved a large coal and steel company from bankruptcy but also led to crowning success. Fayol's contribution to management can be discussed under the following heads. तो उन्होंने ये बताया है कि हेनरी फयोल थे, पहले वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय थे, एक इंजीनियर थे, इस प्रॉपर एक कोल कंपनी में, कोयले की खदान में वो काम करते थे. राइट, तो वहाँ से उन्होंने चीज़ों को देखा कि कहाँ पे क्या फंक्शंस है ऑर्गेनाइजेशन के, कैसे होने चाहिए, किस वे में होने चाहिए. दैट्स वाई ही केम टू विथ साइंटिफिक मैनेजमेंट कि किस तरह से काम को, उसके मोशंस को, उसकी डिवीजन ऑफ वर्क को कैसे मेजर किया जाना चाहिए, कैसे काम किया जाना चाहिए, व्हाट इज द इफेक्टिव वे टू डू द जॉब टू बी प्रोडक्टिव इन द ऑर्गेनाइजेशन. ही इंट्रोड्यूस्ड दीज ऑल फीचर्स. Division of industrial activities. First, he divided the industrial activities, how to do the work. Fayol divided all activities into 6 groups. The groups are technical, relating to production. मतलब technical activities क्या होना चाहिए, production से related आपकी क्या activities हो चाहिए, क्या techniques use होनी चाहिए, that should be measured and identified. Commercial, buying, selling and exchange. राइट क्या मेथड होना चाहिए बाय करने का, सेल करने का एंड एक्सचेंज करने का, वो सब चीज़ों को उन्होंने एक प्रॉपर वे में एम्फसाइज किया. फिनेंशियल, सर्च फॉर कैपिटल एंड इट्स ऑप्टिमम यूज. सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड पर्सन. अकाउंटिंग, प्रिपरेशन ऑफ वेरियस स्टेटमेंट्स, अकाउंट्स, रिटर्न एक्सेट्रा. मैनेजेरियल, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोल. मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेज में इसके बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र किया हुआ है, प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, कमांड का, कमांडिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. ऑब्वियसली आप कोई भी किसी भी इंडस्ट्री में होंगे, सबसे पहले आप प्लान बनाएंगे कि इसका सक्सेस रेट क्या होना चाहिए, मार्केट में क्या कॉम्पिटेंसी है, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन आगे जाएगा. पहले हम प्लान बनाते हैं कि हम अपने काम किस तरह से पहले एग्जीक्यूट करेंगे, राइट. फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं किस किस वे में ये काम होना चाहिए. देन वी ऑर्गेनाइज, देन वी कमांड. हम मतलब काम मतलब एक एक डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट बनाते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर मैनेजर अपॉइंट करते हैं और मैनेजर के अंदर सबऑर्डिनेट्स होते हैं जो हमारे जो मैनेजमेंट के काम को आगे बढ़ाते हैं एंड देन दे गिव द आउटपुट. सो ये होता है कमांड, जहाँ पे कमांड प्रोसेस काम करता है कि कहाँ पे क्या काम होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए. देन कोऑर्डिनेशन, अगर हम प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं तो उसमें कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर हम सपोज एक ग्रुप है, ग्रुप में 5 लोग हैं, पाँचों लोग अगर आप प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहे हैं तो जस्ट अ सेकेंड, पाँचों लोग अगर प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, तो सपोज ग्रुप में 5 लोग हैं, पाँचों लोग को काम दे दिया गया है, लेकिन क्या काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, उसका पाँचों में टीम मेंबर में पाँचों को 5 इंडिविजुअल्स को नहीं बताया कि क्या काम हुआ है, कितना काम हुआ है. तो कोऑर्डिनेशन अगर होगा तभी वो इफेक्टिवली काम को करेंगे और टाइम पीरियड पे उसको फिनिश करेंगे. दैट शुड बी रिक्वायर्ड. कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट, अमंग द एम्प्लॉइज, अमंग द वर्कर्स, दैट शुड बी इम्पॉर्टेंट, दैट इज इम्पॉर्टेंट. एंड कंट्रोल, जहाँ पर एक जो आपने काम प्रोवाइड कर दिया है, अब आपका जो मैनेजर है वो देखता है कि आपने कितना काम किया है, कैसे काम किया है, किसके तरीके क्या यूज़ किए हैं, किया है या नहीं किया है, तो वो मैनेजर आपको फिर कंट्रोल करता है कि आपको अगर आपने काम में डिले किया है तो क्यों किया है. दैट मैनेजर आस्क द क्वेश्चन कि क्यों डिले किया है, नहीं किया है, तो वहाँ पे कंट्रोल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप टाइमली पूछते रहें कि कितना काम हुआ है, कितनी प्रोडक्टिविटी है, कब तक फिनिश होगा. दैट शुड ऑल बी स्क्रीन बाय द मैनेजर्स, राइट. Next one is qualities of an effective manager. Henry Fayol was the first person to recognize the different qualities for managers. The qualities are physical जो qualities होनी चाहिए, like health अच्छा होना चाहिए, उसमें vigor होना चाहिए, and address, like वो अगर आप कोई काम को कर रहे हैं, like address proper. एक आप सपोज किसी चीज़ को बोल दिया कि आपने ये काम किया, तो अगर आपका ध्यान कहीं और है, आप सुन ही नहीं रहे हो, तो आप एड्रेस नहीं करोगे कि नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं. दैट शुड बी देयर इन द पर्सन, राइट. दैट इज द फिजिकल, फिजिक्स रिलेटेड ये चीज़ है. मेंटल, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न जजमेंट, मेंटल विगर एंड एडेप्टेबिलिटी. आप कितने अडेप्टेबल हैं, आप कितने अनुकूल हैं वातावरण के, उस जो आपने जो मैनेजमेंट ने एक वातावरण क्रिएट किया है आपके लिए कि आपको इसी में दायरे में रह के काम करना है, स्पेसिफिक वे में रह के काम करना है, क्या काम करना है, कितना काम करना है, हार्ड वर्क है तो उसमें आप अडेप्ट हो रह पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं. दैट शुड बी मेजर्ड. मोरल, जो मॉरल होता है वो होता है एनर्जी, फर्मनेस, विलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एजुकेशनल एक्विटेंस विद मैटर्स रिलेटेड टू जनरल फंक्शनिंग। आप अगर से आप कहते हैं ना कि ताल्लुक रखना, एक जान पहचान कर पाना, अगर आपको पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है और ये जो फंक्शंस हैं उस पर आप एक्विटेंस ही नहीं हो पा रहे, आप अटैच ही नहीं हो पा रहे उस चीज़ से, या फिर वो चीज़ आपसे अटैच नहीं हो पा रही, आप नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो दैट शुड ऑल्सो बी नो वेरी प्ले एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन दी ऑर्गेनाइजेशन कि आप एक्विटेंस नहीं हो पा रहे हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शंस को लेकर के, मशीन्स को लेकर के, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है to understand the job, to know how it works. Technical, peculiar to the functions being performed, right? And last one is experience arising out of the work. And third point is functions of management. Here are the followings: planning, organizing, commanding, coordinating and controlling. मैंने आपको ऊपर समझाया था कि प्लानिंग ज़रूरी होती है, फिर ऑर्गेनाइज करना होता है, देन कमांड जहाँ पे होता है मैनेजमेंट, आपको कमांड, मैनेजर्स आपको कमांड करते हैं कि ये काम यहाँ पे होना चाहिए, इवन मैनेजमेंट अपने लेवल पे कमांड करती है। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एंड देन लास्ट में कंट्रोलिंग। फोर्थ पॉइंट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फयोल डिवाइडेड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, दीज ऑल आर हेयर। आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ देते हैं कि 14 प्रिंसिपल इज गिवन बाय, तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि हेनरी फयोल, मेरी पार्कर फॉलेट, चेस्टर बर्नार्ड, मैक्स वेबर, इनमें ऑप्शन दे दिए जाएंगे एंड देन पूछ देंगे कि 14 प्रिंसिपल्स किसने दिए हैं। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो देन यू नो टिक द आंसर कि ये 14 प्रिंसिपल्स तो फयोल ने दिए हैं, हेनरी फयोल ने दिया हुआ है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स हैं, राइट। तो दीज आर, एंड आपको अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, राइट। अगर आपको बीच से पूछ देता है कि डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, दीज आर गिवन बाय होम, तो आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, चार ऑथर के नाम दे दिए जाएंगे, पूछेंगे कि इनमें से किसने दिया है ये, राइट। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते हो, अरे ये तो 14 प्रिंसिपल्स हैं जिनमें से among those these are 4। तो ये हेनरी फयोल ने दिया है और ये यार दीज आर द प्रिंसिपल्स फ्रॉम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें आप जब एग्जाम में जाएं तो देख के जाएं, क्योंकि मैंने बताया था कि यूनिट 1 से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इवन डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं ऑथर्स को लेकर के। एंड हेनरी फयोल, मेरी पार्कर फॉलेट, चेस्टर बर्नार्ड, मैक्स वेबर, दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट। उन्होंने डिवीजन ऑफ वर्क दिया है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, डिसिप्लिन दिया है। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको एक एक पॉइंट समझा देती हूँ। डिवीजन ऑफ वर्क, राइट, तो वर्क शुड बी डिवाइडेड सो दैट वर्क कुड बी डन एट प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर सिंपल एंड स्पेसिफिक मैनर। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, as the management consists of getting the work done through others, it implies that the manager should have the right to give order and power to exact obedience. A manager may exercise formal authority and also personal power. Formal authority is derived from his official position, while personal power is a result of intelligence, experience, moral worth, ability to lead, past services, etc. सो इनके कहने का मतलब ये है कि जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसमें ये जो अथॉरिटी आती है, जो एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें जो आप एज अथॉराइज्ड पर्सन आप अपने सबऑर्डिनेट को एक अथॉरिटी देते हैं, लाइक एज एन अथॉरिटी आप उनको कमांड देते हैं कि आपको ये काम इतने स्पेसिफिक वे में किया जाना चाहिए, दैट इज़ अ फॉर्मल वे, राइट। एंड आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जस्ट लाइक आप जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्ले कर रहे हैं, राइट, ऑर्गेनाइजेशन में, वो पर्सनल भी हो सकता है, लाइक पर्सनल ऑब्जेक्टिव से देखा, प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो वो चीज़ें आपके एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंसेस से आते हैं, आपके नॉलेज से आता है, आपके इंटेलिजेंस से आता है, राइट। एंड डिसिप्लिन, द डिसिप्लिन शुड बी मेंटेन इन इन एन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट यू कुड गेट द जॉब, यू कैन अचीव द जॉब, यू कैन डू योर वर्क इन स्पेसिफिक एंड प्रॉपर मैनर। यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि ये यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है, राइट। सो लेट मी क्लियर यू आउट ऑल दिस। यूनिटी ऑफ कमांड इज The principles requires that each employee should receive instructions about a particular work from one superior only. जो यूनिटी ऑफ कमांड होती है ना, वहाँ पे एक सुपीरियर होगा, एक मैनेजर होगा, राइट, जो कि आपको एक प्रॉपर वे में, लाइक यहाँ पे एक मैनेजर हो गया, उसने आपको एक लाइक मैं आपको समझाती हूँ, सपोज एक यहाँ पर एक XYZ एक मैनेजर है, वो यहाँ इसको भी गाइड कर रहा है, इसको भी कमांड दे 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 रहा है. सो देयर इज वन सुपीरियर एंड मेनी सबऑर्डिनेट्स, जहाँ पे वो कमांड देता है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है. दिस इज द यूनिटी ऑफ कमांड. And unity of direction is, it means that there should be complete identity between individuals and organizational goals on the one hand, and between departmental goal interse on other. They should not put in different directions, right? So unity of direction में क्या होता है कि one to one होता है. जैसे यहाँ पे unity of command में क्या हो गया, one to all हो गया, right? Unity of command, आप एक यहाँ पे एक मैनेजर है, दे आर मेनी सबऑर्डिनेट, सबको वो कमांड दे रहा है. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है, वो वन टू वन होता है, राइट, कि जैसे मैनेजर ने लाइक क्या हो गया, आपके समझाती हूँ मैं, सबसे ऊपर आओ, सपोज किसी हेड ऑफ डिपार्टमेंट का एक हेड है, उसने अपने नीचे एक मैनेजर को बोला कि ये काम होना चाहिए, फिर उसने मैनेजर ने अपने नीचे एक सब मैनेजर को बोला, मतलब लाइक जूनियर मैनेजर को बोला कि ये काम होना चाहिए, जूनियर मैनेजर ने अपने सबऑर्डिनेट को बोला कि ये काम होना चाहिए. देन अब वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है फिर यूनिटी ऑफ कमांड, कि लाइक एक मैनेजर है सबको कर रहा है. तो यहाँ पर क्या होगा, वन टू वन होगा, वन टू वन, वन टू वन, मैनेजर टू मैनेजर या मैनेजर टू सीनियर मैनेजर, ऐसे करके यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता है. एंड सिक्स्थ वन इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. In a business concern, an individual is always interested in maximizing his own satisfaction through more money, recognition, status, etc. This is very often against the general interest, which lies in maximizing production. Hence, the need to subordinate the individual interest to general interest. ठीक है. ठीक है. सो सबऑर्डिनेशन का मतलब हो कि सबऑर्डिनेशन लाइक कि आप जो भी गोल डिसाइड करते हैं, लाइक जो भी स्पेसिफिक टास्क देते हैं, उसमें सबऑर्डिनेशन होना चाहिए, कि आपके साथ कोई और भी होना चाहिए जो उस चीज़ पे वेरी करे कि हाँ ये चीज़ सही है, ये होनी चाहिए, राइट, और एक एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, राइट, और वो ये जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट होता है वो जनरल वे में फिर आगे लीड करता है, राइट. एंड सेवेंथ वन इज रेम्यूनरेशन. The remuneration paid to the personnel of the firm should be fair. Obviously, अगर आप fair wage नहीं पाएंगे तो आप fair काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपका मोरल डाउन रहेगा, आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, आप जो जितनी आप पे पोटेंशियल है, जितनी आप में एफिशिएंसी है काम को करने की, आप उतने इफेक्टिव नहीं रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए. सो रेम्यूनरेशन शुड बी फेयर फॉर मेन एंड वुमेन, फॉर यू नो, फॉर सीनियर टू जूनियर, लाइक जो जिस लेवल पे है, जिस तरीके का काम कर रहा है, ऑन दैट लेवल फेयर शुड बी remuneration should be fair, right? Centralization. If subordinates are given more role and importance in the management and organization of the firm, it is decentralization. The management must decide the degree of centralization or decentralization of authority on the basis of nature of the circumstances, size of the undertaking, the type of activities, and the nature of organizational structure. The objectives to pursue should be the optimum utilization of all faculties of the personnel. तो यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सेंट्रलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है कि कंपनी में कितना परसेंट, कितने डिग्री सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, कितना डिसेंट्रलाइजेशन होता है. जैसे ही अथॉरिटी एक सबऑर्डिनेट के हाथ में जाती है, वो वहीं पर जो अथॉरिटी होती है वो डिसेंट्रलाइज हो जाती है. लाइक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, आप समझ जाएंगे वर्ड से ही, कि सिर्फ जो कमांड है ना वो एक हाथ में सेंट्रलाइज्ड है, एक ही हाथ में है. डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि कमांड आर इन मेनी हैंड्स, राइट, कि जो आपका जो अथॉरिटी ऑफ कमांड है, दे आर मेनी अथॉरिटी ऑफ कमांड. लाइक आपको सबऑर्डिनेट्स को भी आपने एक डिसीजन मेकिंग पावर दिया है, हमारे सबऑर्डिनेट्स को भी बोला है कि आप ये डिसीजन, आप अपना काम करवाइए और आप जैसा चाहें वैसे काम करवाइए, आप डिसीजन ले सकते हैं, तो दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। और ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करती है, कौन सी इंडस्ट्री कितने डिग्री तक अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन देती है, कितना नहीं देती है। वो खुद सेंट्रलाइज बन के, खुद मैन अथॉरिटी बन के बैठा हुआ है, उसको एक स्पेसिफिक हाथ में ही सारा काम चाहिए, या फिर सारे एक सबऑर्डिनेट भी आपके डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी लिए हुए हैं और वो काम को करवा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा हाई सेंट्रलाइजेशन से भी एक जो कहते हैं कि अच्छी क्वालिटी का जो प्रोडक्टिविटी होती है वो नहीं आ पाती है, और इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस आज मॉडर्न टेक्निक अपना रही है। तो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में अभी क्या होता है कि वो डिसेंट्रलाइजेशन है कि आप जो अथॉरिटी ऑफ कमांड है उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कि आप अपने लेवल पे जो डिसीजन लेना चाहते हैं काम करवाने के लिए वर्कर से, उनसे वो ले सकते हैं। इवन यू गिव दी अथॉरिटी टू वर्कर्स, लोअर लेवल वर्कर्स एज वेल। Scalar chain. Scalar chain is, scalar chain means the hierarchy of authority from the highest executive to the lowest one for the purpose of communication. It states superior subordinate relationship and the authority of superiors in relation to subordinate at various level. As per this principle, the orders or communications should pass through the proper channels of authority along the scalar chain, but in case there is need for swift action, the proper channel of authority may be short circuited by making direct contact, called gangplank, with concerned authority. Scalar chain में क्या होता है कि जो authority होती है वो top to down आती है, right, upward to डाउनवर्ड आती है, जिसमें क्या होता है कि आपने कोई काम करवाना है अपने सबऑर्डिनेट से, तो आप उनको बोलेंगे, फिर वो अपने नीचे बोलेगा, फिर वो उसके नीचे बोलेगा। तो इस तरह से वो एक स्केलर चेन है, वो एक चेन की तरह काम करता है कि एक सबसे ऊपर बॉस है, बॉस के नीचे मैनेजर है, मैनेजर के नीचे सब मैनेजर है, इस तरह से काम एग्जीक्यूटिव्स हैं, उसके नीचे काम होते रहते हैं। लेकिन इसमें ये भी इन्होंने बोला है कि आपका जो लास्ट लाइन उन्होंने बोली है, बट इन केस देयर इज नीड फॉर स्विफ्ट एक्शन, द प्रॉपर चैनल ऑफ अथॉरिटी मे बी शॉर्ट सर्किटेड बाय मेकिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंसर्न अथॉरिटी। वहां पर जो स्केलर चेन है ना, उसमें गैंग प्लान का मतलब, गैंग प्लान पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज गैंग प्लान एंड इट इज गिवन बाय हु। सो आप, अगर आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा प्रॉपर, तो आप बता देंगे कि गैंग प्लान इज गिवन बाय हेनरी फेयोल। ये क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में, तो यू शुड रिमेम्बर दिस। सो उन्होंने ये बोला कि गैंग प्लान इज व्हाट, लाइक गैंग प्लान वे में भी आप काम को करवा सकते हैं कि जिसमें आपका कोई प्रॉपर एक चेन की तरह कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। वहां पर आप ये भी कर सकते हैं कि लाइक क्रॉस सेक्शनल, लाइक आप चाहे वो डायगोनल होना चाहिए, चाहे आप उस डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट भी अथॉरिटी दे सकती है, इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट के लिए भी एक लीड कर सकते हैं, आप उसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं। इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं, जिससे कम्युनिकेशन बहुत ही ट्रांसपेरेंट एंड इजी होता है, और इससे भी अच्छा आउटपुट आता है ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। एंड 10th वन इज ऑर्डर। टू पुट थिंग्स इन एन ऑर्डर नीड्स एफर्ट, दिस ऑर्डर डज नॉट नीड एनी एफर्ट, it evolves by itself. Management should obtain orderliness in work through suitable organization of men and materials. The principle of right place for everything and for every man should be observed by management. So वो कहने की कोशिश कर रहे हैं ना, फयोल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि काम एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, एक सीक्वेंस में होना चाहिए, जिससे कि कम्युनिकेशन में ईजी हो, कम्युनिकेशन हमारी ईजी हो और आउटपुट भी उतनी ही आसानी से आ जाए। हर चीज का एक टाइम प्लेस होना चाहिए, लाइक एवरीथिंग शुड बी एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। इक्विटी, इक्विटी मीन्स इक्वालिटी ऑफ फेयर ट्रीटमेंट। इक्विटी रिजल्ट्स फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ काइंडनेस एंड जस्टिस। एम्प्लॉइज एक्सपेक्ट मैनेजमेंट टू बी इक्वली just to everybody. It requires managers to be free from all prejudices, personal likes or dislikes, Equity ensures healthy industrial relations between management and labor, which is essential for the success working of the enterprise. तो वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि equity should be there, like equity मतलब equality, ठीक है, like कोई भी चीज में ये differentiation नहीं होना चाहिए कि ये चीज ऐसे है और ये चीज suppose ये अच्छी है ये बुरी है, या फिर जो suppose किसी employee का comparison कर रहे हैं आप, तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि किसी को हाई वेज दे दिया सेम जॉब के लिए, सेम काम के लिए आपने किसी चीज को, किसी पर्सन को हाई पे पे रख दिया, किसी को लो पे पे रख दिया, तो दैट शुड नॉट बी देयर, राइट, इक्विटी शुड बी देयर। आप किसी अपने सबऑर्डिनेट को ट्रीट कर रहे हैं, लाइक आप उसके साथ जो बिहेवियर है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी के साथ बहुत फेयरली बिहेव कर रहे हैं, किसी के साथ अनफेयर हैं आप, किसी से पार्शियलिटी, किसी के लिए आप बायस्ड हो जाते हैं, तो दैट शुड नॉट बी यू नो इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इन नॉट इन एनी डिपार्टमेंट कि आप बायस्ड होकर काम कर रहे हैं। इक्विटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, these are the point, equity, stability of tenure of personnel. Stability of tenure of personnel. In order to motivate workers to do more and better work, it is necessary that they should be assured security of job by the management. If they have fear of insecurity of job, their morale will be low and they cannot give more and better work. Further, they will not have any sense of attachment to the firm and they will always be on the lookout for a job elsewhere. So कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि stability of tenure of personnel, मतलब एक आप किसी भी कैंडिडेट को हायर कर रहे हैं तो उसको एक एश्योरिटी होनी चाहिए कि उसकी जॉब सेफ एंड सिक्योर है, ये उसको ना लगे कि उसकी जॉब कभी भी जा सकती है, कभी भी उसको फायर किया जा सकता है। इससे क्या होगा कि वो काम तो कर रहा होगा लेकिन उसका जो एफिशिएंसी है, जो उसका पोटेंशियल है, वो उसको यूज नहीं करता है, वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि वो रादर देन वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट पर्सन विल लुक आफ्टर अनदर जॉब, वो कहीं और भी जॉब देख रहा होता है, जिससे क्या होगा कि उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, वो आउटपुट आपको उतना नहीं देगा जितना उसको देना चाहिए। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल शुड बी इंश्योर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मीन्स फ्रीडम टू यू नो थिंक आउट एंड एग्जीक्यूट अ प्लान। द जील एंड एनर्जी ऑफ एम्प्लॉइज आर ऑगमेंटेड बाय इनिशिएटिव इनोवेशन विच इज the hallmark of technological progress is possible only where the employees are encouraged to take initiative. According to Fayol, initiative is one of the keenest satisfaction for an intelligent man to experience, and hence he advises managers to give their employees sufficient scope to show their initiative. Every employees should be encouraged to make all kinds of suggestions, to conceive and carry out their plans even when some mistakes results. So obviously एक इंडिविजुअल को encourage करना चाहिए कोई भी इनिशिएटिव लेने के लिए, वो अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर पाए, उसके लिए उसको इनिशिएटिव लेना चाहिए, चाहे वो सही हो या गलत हो, एटलीस्ट अगर वो काम को करेगा तभी वो चीज़ों को कर पाएगा, क्योंकि आप कोई चीज़ प्लान कर रहे हो लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, उसको इनिशिएट नहीं कर रहे हो, तो उसके उस पर कोई आउटपुट नहीं आएगा। तो अगर आपको आउटपुट चाहिए तो आपको इनिशिएट तो करना ही पड़ेगा, राइट, तो इनिशिएशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। लास्ट वन इज एस्पिरी डी कॉप्स, जस्ट ए सेकेंड। ये सारे 13 प्रिंसिपल मैंने समझा दिए हैं, एस्पिरी डी कॉर्प्स में आपको भी बताती हूँ। एस्पिरी डी कॉर्प इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू मोटिवेट देयर एम्प्लॉयज एंड बी सपोर्टिव ऑफ ईच अदर रेगुलरली। डेवलपिंग ट्रस्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विल लीड्स टू अ पॉजिटिव आउटकम एंड वर्क एनवायरमेंट। ठीक है, तो उनका कहने का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक म्यूचुअल इंटरेस्ट को डेवलप करना चाहिए, ट्रस्ट को डेवलप करना चाहिए, ताकि वो काम को एफिशिएंटली एंड मोटिवेटेड वे में कर पाए. दैट इज स्पिरिट डी कॉर्प. So here are the 14 principles of Henry Fayol. I'll wind up the session here only, right? And अगर आपको मेरा सारा आपने obviously आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपको अच्छा लगता है मेरा चैनल, मेरी टीचिंग स्टाइल, so please subscribe my channel, like my videos and share with your friends so that they could be benefited from my videos. क्योंकि जो भी इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल जो भी कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ के लिए तैयारी कर रहे हैं फॉर 22 के लिए 2022 के लिए, दे कैन कम टू माई चैनल, दे कैन गेट बेनिफिटेड बिकॉज आई एम गोइंग टू कम्प्लीट यूनिट 1 to 10 with whole concept and clarity with all the definitions, right? So please do share, subscribe and like my channel. Thank you so much for watching me, my channel and my videos. Thank you so much.